हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्कॉलर. मैं डॉक्टर सोबिया. आज हम कोर्स कोड 8629, जो कि लामा इकबाल का कोड है, बीएड का, ठीक है, जिसमें लेबॉरेटरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स, इसमें हम डिफरेंट यूनिट्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक. यूनिट 1 आप देख चुके हो. नो, टुडे इज़ अबाउट यूनिट 2, विच इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ साइंस लेबॉरेटरीज़. फर्स्ट यूनिट में आपने लैब डिज़ाइन के बारे में देखा कि ओवरऑल साइंस लैब का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, या अगर हम उनको फर्दर डिवीजन्स कर देते हैं साइंस की, जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और किन किन चीज़ों का टीचर को ध्यान रखना पड़ता है साइंस टीचिंग के दौरान, या किन बच्चों को लैब के प्रैक्टिकल्स के दौरान किन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा. सेकेंड इज जी मैनेजमेंट ऑफ साइंस लेबॉरेटरीज़. जब आप साइंस की लैब या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की लैब बना लेते हो, तो आप इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, जिस तरह किस तरह से ओवरऑल लैब को कैरी आउट किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, गुड मैनेजमेंट, इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम्स सो इंटरेस्टिंग एंड देयर सॉल्यूशन सो कंस्ट्रक्टिव दैट एवरीवन वांट्स टू गेट टू वर्क एंड डील विद देम. यानी मैनेजमेंट इस तरह से कि आप चीज़ों को इस तरह से पेश करो, यानी चीज़ों में आने वाली प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करो. सपोज़ हम साइंस की ही एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें आप इस तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सामने लेकर आओ कि जिससे स्टूडेंट्स क्यूरियस हों, उनका एंथुसियाज्म हाई हो और एंथुसियास्टिक के साथ, यानी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लर्न आउट कर सकें. ठीक है, ताकि एवरीवन वांट्स टू गेट टू वर्क, कि उनका दिल करे कि वो काम करें और चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें. ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में मैनेजमेंट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, किस तरह से उन्हें कंट्रोल कर रहे हो. इस कंटेंट में हम, यानी इसके कंटेंट्स में हम स्टाफ जो इन्वॉल्व होता है लेबॉरेटरी, ओवरऑल स्कूल का फाइनेंस, बजट, गाइडलाइंस, यानी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो लैब की होंगी, कैसे प्रिजर्वेशन की जा सकती है मटेरियल्स की, इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट ऑफ लेबॉरेटरीज एंड इक्विपमेंट, यानी साथ साथ लेबॉरेटरी को मैनेज रखने के लिए उनकी चीज़ों को सामने रखना, ध्यान रखना भी ज़रूरी है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तमाम लेबॉरेटरीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, या ओवरऑल अगर आपकी साइंस एक लाइब्रेरी है जिसमें साइंस से रिलेटेड मटेरियल, कोई पम्फलेट्स वगैरह पड़े हैं जो बच्चे लेटर ऑन वर्क्स के लिए, या कोई हैंड आउट्स पड़े हैं, या आप प्रोटोकॉल्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स में जिनको बच्चे यूटिलाइज करते हैं, उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हो, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लेबॉरेटरी मैनेजमेंट. मटेरियल्स फॉर लेबॉरेटरी वर्क मेंटेनेंस, यानी लेबॉरेटरी के वर्क के दौरान जिन जिन मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ती है उसको आप कैसे मेंटेन रख सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम. सपोज अगर कोई जंग वगैरह लग गया है, या कोई केमिकल्स ख़त्म हो गए हैं, कोई एक्सपायर हो गए हैं, या कोई ग्लासवेयर है वो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, तो उसको आप कैसे प्रॉपर कर सकते हो, या अगर आप कुछ चीज़ों को रिपेयर से ठीक कर सकते हो, या कैसे उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या नॉन नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए आपके पास वो मटेरियल ही रिक्वायर ना हो जो कि ज़रूरी था. सो टीचिंग लेबॉरेटरी में कंसिस्ट ऑफ द कॉमन प्रिपरेशन रूम एंड द डिस्पेंसिंग स्टोर. इसमें आपका जो कॉमन रूम जिसमें आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हो, या वो स्टोर जहाँ पे आपने केमिकल्स वगैरह को या मटेरियल को रखा होता है, इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाती है. स्टाफ, यानी स्टाफ जो है स्कूल का स्टाफ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है कि एक लैब को कैसे मेंटेन किया जा सकता है. इसमें सबसे पहले हेडमास्टर, जिसे हम प्रिंसिपल या जो ओवरऑल अथॉरिटी रखता है कि पूरे स्कूल के बारे में जो फैसले रखें करेंगे, देन सीनियर साइंस टीचर, देन सीनियर सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, देन डिफरेंट साइंस टीचर्स, जूनियर जूनियर्स भी कह सकते हैं, या लेटर जो फर्दर प्रैक्टिकल्स करवा रहे होते हैं, या इसके अलावा लेबॉरेटरी असिस्टेंट्स और अटेंडेंट्स जो लैब में ही मौजूद रहते हैं और वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं लैब की क्वालिटी को, लैब के मटेरियल को, लैब की चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए. साइंस लेबॉरेटरीज आर ओनली द पार्ट ऑफ होल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जैसे देखो स्कूल में तमाम स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होगा, हेडमास्टर जो प्रिंसिपल है, ये तो ओवरऑल लेबॉरेटरी की मैनेजमेंट उसकी तो ये रिक्वायरमेंट है कि जाके वो देखे कि किस तरह लेबॉरेटरी की चीज़ों को, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, या एटमोसफियर ऐसा करे कि टीचिंग लर्निंग हो. लेकिन जो नेक्स्ट जो होती है, जो साइंस टीचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फर्दर डिसीजंस के लिए, ठीक है, यानी क्या क्या काम करना है, ठीक है. साइंस अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल के ही हैज़ टू मेक डिसीजंस ऑन ऑल दी मैटर्स कनेक्टेड विद द लेबॉरेटरीज, यानी जो मेन डिसीजंस हैं बेशक साइंस टीचर उस तक पहुँचाएगा तभी, लेकिन जो मेन डिसीजंस है लेबॉरेटरीज के बारे में कि कौन सा मटीरियल आएगा, कौन सा नहीं आएगा,
कौन सी नई चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत है, ठीक है। तो विद द कंसल्टेशन ऑफ सीनियर साइंस टीचर, तो हेड मास्टर क्या करता है कि समटाइम्स विद द कंसल्ट ऑफ सीनियर साइंस टीचर, हेड मास्टर अब खुद तो लैब नहीं जा सकता ना, तो साइंस टीचर उन तक पहुँचाते हैं, फिर वो चीज़ों की मैं इस तरह से मैनेज करता है कि किस बजट कहाँ से आएगा, किस फाइनेंस को यूज़ करके लेबॉरेटरी में हम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सीनियर साइंस टीचर जो है वो उसके बाद यानी प्रिंसिपल के बाद वो इम्पॉर्टेंट है, इज़ द राइट हैंडेड मैन ऑफ द हेड मास्टर, यानी क्या क्या वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि जी हमें अब लैब में इन चीज़ों को या इन किस्म के अपरेटस की ज़रूरत है, फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे जो प्रिंसिपल है वो फिर मैनेजमेंट करती है, चीज़ों को मैनेज करता है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ही हैज़ टू सी दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाई द स्कूल अथॉरिटी, ठीक है, यानी मेन अथॉरिटी तो प्रिंसिपल की होगी लेकिन उस तक इंस्ट्रक्शंस या काम पहुँचाने या किन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें पहुँचाने का काम जो है वो सीनियर साइंस टीचर कर सकता है। फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस होगा तो तभी आप लेबॉरेटरी को बेहतर तरीके से चला सकोगे, ठीक है। दी लेबॉरेटरीज नीड फाइनेंशियल एड और ग्रांट टू मीट ऑल दी ऑपरेशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी मैनेजमेंट, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई मटीरियल ब्रेकअप हो सकता है, केमिकल्स आपके फिनिश हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को मैनेज रखने के लिए आपको तभी कर सकते हो जब आपके पास फाइनेंस मौजूद होगा। इन मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड पाकिस्तान द गवर्नमेंट हेल्प स्कूल्स, यानी गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रही होती है लेकिन गवर्नमेंट टोटली नहीं कर सकती, एक स्मॉल एक लेवल तक, ठीक है, और उसके बाद जो है ताकि लैब्स को मैनेज किया जा सके। अमाउंट ऑफ साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट, ठीक है, इन केसेज वेयर ए न्यू साइंस करिकुलम, समटाइम्स क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम करिकुलम में चेंजेस आ जाती हैं, सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा साइंस की लेबॉरेटरीज पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। जब नया करिकुलम डेवलपमेंट होगा तो स्कूल में भी नई ग्रांट्स आएंगी, ठीक है, और नए करिकुलम के मुताबिक नई चीज़ों को लाने की, नए इक्विपमेंट की, नए अपरेटस की और लेबॉरेटरी को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अदर देन दैट, अगर गवर्नमेंट पूरी हेल्प नहीं कर सकते समटाइम्स इतने नहीं है तो प्राइवेट फंड्स बना लिए जाते हैं, प्राइवेट फंड्स के मुताबिक यानी फंड रेजिंग कर ली जाती है, समटाइम्स स्कूल वाले मिलके या किसी चैरिटी वगैरह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले ली जाती है, या समटाइम्स स्टूडेंट छोटी छोटी हेल्प अगर वो कर सकें तो या डोनेशंस के थ्रू फाइनेंस इकट्ठे कर लिया जाता है ताकि लेबॉरेटरी की कंडीशन को बेटर बनाया जा सके। इन स्पेशल केसेज लाइक इन सिंगापुर, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपिंग, यानी कुछ केसेज में जैसे सिंगापुर में उन्होंने कहा है कि शुरू की जो बिल्डिंग वगैरह बनाने की जो है वो जिम्मेदारी तो आपकी गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन उसके बाद लेबॉरेटरी की मेंटेनेंस और उसको कैसे मेंटेन रखा जाए उसके लिए साथ साथ जो बजट की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी डिडक्शन जो स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह 10% उसमें से कर ली जाती है। बजटिंग, बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट के मुताबिक ही लेबॉरेटरीज बनाई जाती हैं, अगर बजट नहीं होगा तो कभी भी लेबॉरेटरीज नहीं बना सकती। प्लानिंग यानी आपके पास जो बजट है, जो अलॉट मनी है आपके पास, उसके अंदर ही रहकर आप प्लानिंग करो ताकि उस मनी के साथ ही मैक्सिमम बेस्ट और किस तरह से मैनेजमेंट की जाए कि उन मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव कर सके। बजटिंग फॉर साइंस लेबॉरेटरी शुड ऑलवेज बी डन 2 or 3 months बिफोर द एंड ऑफ द स्कूल ईयर सो दैट सफिशिएंट टाइम इज़ गिवन फॉर प्रीलिमिनरी कंसीडरेशंस, यानी एक दफ़ा आपका साल एंड हो गया है, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स थोड़ा साल के एंड थोड़ा टाइम पहले आप देख सकते हो कि कौन से केमिकल्स या कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं खरीदने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में पहले ही, ताकि कमिंग ईयर में जब वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हो नए स्टूडेंट्स के साथ तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डिलीशन और एडिशन, फाइनलाइजेशन, ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सीनियर साइंस टीचर दूसरे टीचर्स के साथ मिलके ओवरऑल ये डिसीजंस लेता है कि किन चीज़ों की हमें बनाने की ज़रूरत है, और फिर ये तमाम डिसीजंस जो हैं शेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विद हेड मास्टर, जिसकी हेल्प से फिर आप जो है कि डिसीजन फाइनल लिए जाते हैं और चीज़ों को मैनेज किया जाता है। बजटिंग, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द साइंस टीचर, ठीक है, सीनियर साइंस टीचर जी हैं जो कमिंग ईयर में हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो मंगवा ली जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के पहले लिस्ट तैयार की जाती हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल मटेरियल्स, यानी जो प्रैक्ट केमिकल्स आपने इस साल में यूज़ कर लिए हुए हैं और कमिंग साल में आपको दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो कैपिटल मटेरियल्स, ठीक है, ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर एंड मेटल वेयर वगैरह, ठीक है, यानी कौन सा ग्लास वेयर ब्रेक डाउन हो गया है या कोई मेटल वेयर या प्लास्टिक वेयर इसका बिल नहीं है कि उसको मज़ीद यूटिलाइज़ किया जाए, इसकी बेस पर इनकी
ये लिस्टें बना ली जाती हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस एंड स्लाइड्स वगैरह, ठीक है, गैस, वाटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो कि लेबॉर्टरी डिज़ाइन में भी बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, साइंस बुक्स या वर्कशॉप टूल्स, डिफरेंट टूल्स, या इसके अलावा जो भी डिफरेंट चीज़ें लैब में कामों में यूज़ होती हैं, इन तमाम की लिस्ट बना ली जाती है कि कमिंग में हमें किन किन चीज़ों को अपग्रेड करने की, ये चीज़ों को अपडेट करने की, बेहतर बनाने की, या कौन सी हमें बिल्कुल टोटली न्यू खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है। कौन सी जब लिस्टें आप प्रिपेयर करते हो, गाइडलाइंस इन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कौन से पॉइंट्स माइंड में रखे जाते हैं, नंबर वन व्हाट आइटम्स आर अर्जेंटली नीडेड, कौन सी चीज़ों को हमें फ़ौरन लाजमी ज़रूरत है, किन चीज़ों को गुजारा चलाया जा सकता है, व्हाट आइटम्स कैन बी चीपर वंस, कौन सी चीज़ें हमें कम कीमत में भी मिल जाएंगी, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनवांटेड आइटम्स फ्रॉम होम्स, शॉप्स और स्कूल्स, यानी बहुत सारे घरों में भी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर लें कि अगर हम लैब में यूटिलाइज़ कर लें, व्हाट मेंटेनेंस सर्विस कैन बी परफॉर्म बाई पीपल्स, यानी स्टूडेंट्स खुद कितनी, यानी जैसे सपोज लेबॉर्टरी की सफाई वगैरह या चीज़ों की क्लीनिंग वगैरह, ये तो स्टूडेंट्स खुद भी कर सकते हैं। व्हाट आइटम्स कैन बी मेड बाई दी साइंस क्लब, यानी अगर कोई क्लब या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं तो वो किन चीज़ों में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग, ठीक है, सबसे पहले जानिए जब आपने लिस्ट बना ली तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी कि आपने चीज़ों को ऑर्डर करना है, यानी किन चीज़ों की अब आपको ज़रूरत है। सो परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर साइंस लेबॉर्टरी इज यूजुअली हैंडल्ड बाय द हेडमास्टर, बट इन सर्टेन केसेस सीनियर साइंस टीचर इज़ गिवन सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मोस्टली तो ये हेडमास्टर ही इसके बारे में करेगा डिसाइड कि हमें ये चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें करनी है और कहाँ से हमने ख़रीदनी है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो सीनियर हेडमास्टर है उसको भी ये ड्यूटी दे दी जाती है। इसके बाद आल करस्पॉन्डेंट्स इंक्लूडिंग पेरेंट पेमेंट्स मस्ट बी साइंड बाई द हेडमास्टर एंड नॉट द सीनियर साइंस टीचर, यानी सीनियर साइंस टीचर डिसाइड कर लेता है कि ये चीज़ें हम लेंगे और यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से हमें ज़्यादा बेटर तरीके से मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए बजट के बाद साइन करना, उसको अप्रूव करने का काम जो है वो हेडमास्टर ही परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर ऑफ परचेजेस, जब आप चीज़ों को ख़रीदने लगे हो तो उसके लिए आपको कोटेशंस का मतलब होता है कि आपको नहीं पता कि ये चीज़ कितने की बाज़ार में मिलेगी। सपोज़ आपने घर की भी कोई चीज़ लेनी हो तो आप डिफरेंट जगहों से रेट लेते हो ना, तो लेबॉर्टरी में भी इस तरह का चीज़ लेनी हो तो क्या होता है कि जितने भी एजेंट्स होते हैं या जिन्हें हम वेंडर्स का नाम दे देते हैं जिनके पास वो साइंस इक्विपमेंट प्रेजेंट होता है, तो हमें उन्हें कहते हैं जी हमें सपोज ये वाला ग्लासवेयर चाहिए या ये केमिकल चाहिए, तो डिफरेंट वेंडर्स जो हैं हमें उसके बारे में लिस्ट देंगे जी ये आपको इतने की यहाँ से मिल जाएगी, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन जो हमें सूट करेगा उसकी बेस पे उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, मल्टीपल ने आपको कोटेशंस दी, ठीक है, तीन चार ने, उसमें से एक के रेट आपको मुनासिब लगे कि कंपनी भी अच्छी है और ये अच्छी चीज़ें हमें कम रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्शन को उसको सप्लायर की या उस वेंडर की सिलेक्शन कर ली जाती है। ऑर्डरिंग, फिर उसके बाद उसको ऑर्डर कर दिया जाता है। हैव बीन सिलेक्टेड कार्बन कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर फ्रॉम शुड बी प्रॉपरली फिल्ड, यानी उसकी कार्बन कॉपी भी रखी जाती है, यानी कॉपीज बना ली जाती हैं, उसे भी दे दी जाती है और अपने पास भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि किन चीज़ों को हमने ऑर्डर किया है। एक्नॉलेजमेंट, कंपनी विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट लेटर टू द स्कूल वंस इट हैज रिसीव द ऑर्डर फॉर्म। एक्नॉलेजमेंट यानी वो कहेगा थैंक यू हमें मिल गया, अब हम आपकी चीज़ें जल्दी आपको भेज देंगे। दिस एक्नॉलेजमेंट लेटर शुड बी फिल्ड टुगेदर विद द ऑर्डर फॉर्म। डिलीवरी नोट, ठीक है, जब कंपनी तमाम चीज़ें उनकी बन जाती हैं तो उन्हें भेज देता है कि जी हम फलां टाइम में और फलां चीज़ जगहों पे जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेटिंग द टाइम एंड द डेट ऑफ द गुड्स, यानी इस चीज़ पे हम इस एड्रेस पे भेज देंगे, ठीक है। सीनियर साइंस टीचर जो है जैसे ही रिसिप्ट मिलती है अरेंजमेंट कर लेता है कि किस वक्त हमें ये चीज़ें आ जाएंगी और इन्हें हमने साथ साथ इनकी जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। डिलीवरी नोट भी उनका कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए जाते हैं। रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं तो उनकी रिसीट दे दी जाती है, ठीक है। ऑल दी गुड्स मस्ट बी चेक थॉरली, ठीक है, यानी उनको चेक किया जाता है, ठीक है, डिलीवरी नोट पर हैंड आउट करने से, ताकि अगर कोई टूटी हुई है या कोई केमिकल ख़राब है या जो भी है तो उन्हें वापस किया जा सके। Invoice upon receipt of delivery notes, company will send the invoice together with copy of delivery note to the school for payment. ठीक है, यानी उसके बाद चीज़ें डिलीवर करने के बाद invoice कंपनी की तरफ से भेज दी जाती है कि ये चीज़ें जी आपको डिलीवर हो गई हैं और ये आपके स्कूल वालों ने ले ली हैं, तो अब प्लीज़ आप हमें पेमेंट कर दो। तो इन्वाइस विल देन बी पास टू द स्कूल ऑफिस फॉर पेमेंट, फिर इन्वाइस जो है स्कूल ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दी जाती है ताकि पेमेंट की जा सके। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटीरियल्स आपके पास आ गए तो अब नेक्स्ट काम है जी आपने उनको कैसे स्टोर करना है या प्रिजर्व करना है ताकि मल्टीपल डेज तक उनको यूटिलाइज किया जा सके। मोस्ट सेकेंडरी स्कूल देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोर्स, उन्होंने कहा कि मेन स्टोर या डिस्पेंसिंग स्टोर।
मेन स्टोर जहाँ पे मेन मेन चीज़ें रखती जाती हैं, ठीक है. फॉर द साइंस सेक्शन देर इज़ अ मेन साइंस स्टोर एंड द मटीरियल हाउस्ड आर एप्लीकेबल टू द साइंस टीचिंग इन द स्कूल. मेन साइंस स्टोर इशूज नॉट कंटेनर्स एंड केस टू द इंडिविजुअल सच एज द बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स स्टोर्स. यानी सेपरेट लेबॉर्टरी पहले मेन साइंस लेबॉर्टरी होगी, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स छोटे छोटे स्टोर्स के अंदर उनकी चीज़ें रखती जाती हैं, ठीक है. डिस्पेंसिंग स्टोर लोकेटेड एट ईच लेबॉर्टरी आर सेट अप मेनली फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग इशू ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स टू स्टूडेंट्स एट द पर्टिकुलर लेबॉर्टरी, ठीक है. यानी स्मॉल स्टोर के अंदर मेन चीज़ें रखी जाती हैं, वहाँ से चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स को हैंड ओवर की जाती हैं, वहाँ से वो लेके मेन लैब के अंदर आते हैं जो कि आपका मेन स्टोर के तौर पर भी आप कह सकते हो, और फिर वहाँ पर आके वो काम को परफॉर्म करते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोर, ठीक है. इट शुड बी लोकेटेड एट द नियर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकें. अगर आपके पास स्पेस है तो ट्रॉलीज़ वगैरह होनी चाहिए ताकि ट्रॉलीज में चीज़ें रख के केमिकल्स को रख के इजीली मूव किया जा सके. लाइटिंग होनी चाहिए स्टोर के अंदर, ठीक है. लाइटिंग होगी तो चीज़ों को आसानी से उठाया जा सकता है, यानी ये नहीं कि चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही हों और गिर रही हों, ठीक है. ऑल नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी तमाम जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको माइंड में रखा जाए. सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूजली केप्ट इन द स्टोर्स, यानी लेबॉर्ट्री के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे शेल्फ्स में या किसी ड्रॉ वगैरह में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रखती जाती हैं, जैसे कोटेशंस जिसमें केमिकल्स वगैरह के ग्लासवेयर के रेट्स मौजूद होते हैं, जो चीज़ें अपने ऑर्डर की जाती हैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर जिनके बारे में भी पीछे बताया अभी, डिलीवरी नोट्स, इनवॉइसेस, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स, कैटलॉग्स यानी कौन कौन सी चीज़ें इनके पास मौजूद थीं, पैम्फलेट्स, स्टॉक कार्ड्स एंड अदर्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कि लेबॉर्ट्री से रिलेटेड होते हैं उनका भी रिकॉर्ड जो है रखा जाता है. केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स के अंदर आपके इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक काइंड ऑफ केमिकल्स आपके आ जाते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपके ग्लासवेयर आ जाते हैं, ग्लास ट्यूबिंग, ठीक है, प्लास्टिक्स, मेटलवेयर, अपरेटर्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जो कि आल ये आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होते हैं. इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप बड़े स्टोर कभी और मेन छोटे स्टोर्स और लैब की तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से देखो. साइंस लेबॉर्ट्री हाउस एक्सपेंसिव साइंस इक्विपमेंट एंड केमिकल्स, चूँकि उन्होंने कहा कि एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़राब भी हो सकते हैं, एक्सपायर भी हो सकते हैं. डेट्स वाई रेगुलर इंस्पेक्शन ऑन द लेबॉर्ट्रीज जो है, अगर आप उसकी चेक करते रहोगे साथ साथ, तो ये चीज़ें इस चीज़ से बचा जा सकता है, ठीक है. ये कैसे कर सकते हैं, सीनियर साइंस टीचर दूसरे सब्जेक्ट टीचर की हेल्प लेके, ताकि दोनों आपस में मिलके चीज़ों को बेहतर तरीके से, और समटाइम्स लैब असिस्टेंट्स या लैब अटेंडेंट्स भी इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं. इंस्पेक्शन बुक, ठीक है, यानी जब जब चीज़ों को मॉनिटर किया जाए तो एक बुक बना ली जाए, तो उसमें रिकॉर्ड रख लिया जाए. इंस्पेक्शन रिकॉर्ड मस्ट बी मेड कि जी इस दिन हमने ये वाला मटेरियल या ये वाले एक्सपायरी डेट ऑफ केमिकल्स चेक किया था, ठीक है. लाइक विंडोज़, गैस टैप्स, फर्नीचर, केमिकल्स, ग्लासवेयर, तमाम का आप उसमें रिकॉर्ड रख सकते हो. पेंट वर्क, लेबॉर्ट्री के अंदर पेंट वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. टचअप्स ऑफ द पेंट वर्क, अगर लेबॉर्ट्री ख़राब हो रही है या समटाइम्स ख़राब हो, ठीक है, पेंट ख़राब हो रहा है, उसकी सरफेस ग्लॉसी नहीं रही, ठीक है, या अच्छी नहीं है, या पेंट गिर रहा है, वट एवर जो भी है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए. और ये पेंटिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हेल्प से भी इसको बेहतर बनाया जा सकता है. लाइटिंग यानी ग्लास, ठीक है, यानी लाइटिंग की ज़रूरत है, ठीक है. सनलाइट्स, अगर सनलाइट से काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन समटाइम्स आपको सनलाइट के अलावा, ताकि जो लेबॉर्ट्री का टेम्परेचर है उनको मेंटेन रखा जा सके, और इसके अलावा जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपकी प्रॉपर लाइट आ रही हो, ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके. वेंटिलेशन, प्रॉपर लैब का इंतज़ाम होना चाहिए जहाँ पे केमिकल्स वगैरह में, जैसे केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में ज़्यादा डीलिंग है, तो क्या हो सकता है कि आप डोर्स वगैरह को ओपन छोड़ दो, सीलिंग फैन, सक्शन फैंस एंड फ्यूम का बोर्ड्स, या आप कह सकते हो फ्यूम हुड्स वगैरह नफ्स किए जाएँ, ताकि वहाँ पे काम किया जा सके. सीलिंग फैन जो है ये भी ज़्यादा बेहतर तकलीफ रहते हैं, उन्हें भी क्लीन रखने की ज़रूरत है, ठीक है. और अगर कोई रेगुलेटर्स वगैरह बिजली के या कोई चीज़ें ख़राब हैं तो उन्हें भी आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है. डिफरेंट सिस्टम और वाटर सिस्टम्स, वाटर टैप, सिंक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. और ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो है बच्चे सिंक में ना फेंकें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर सपोज ग्लासवेयर टूटा हुआ फेंक दिया है तो किसी दूसरे कोई ज़ख्मी भी हो सकता है, या समटाइम्स आपके केमिकल्स ऐसे होते हैं या जेल्स वगैरह जो आपकी जाके डिपॉजिट कर जाती हैं, ठीक है, क्लॉगिंग का ख़तरा हो सकता है, अनहाइजीनिक हो सकता है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखा जाए. ड्रेन्स एंड पाइप सिस्टम, ठीक है, वेस्ट सिस्टम, गैस टैप्स, गैस बर्नर्स, गैस स्टैंड्स,
यानी इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का ख्याल रखा जाए, फ्यूज़ बॉक्स, जो सॉकेट्स, वायर्स, ओवन्स, यानी ये ना हो कि कोई ख़तरा वगैरह हो जाए, कि ठीक है कोई प्लग वगैरह ख़राब होने की वजह से या इलेक्ट्रिकल डैमेज होने की वजह से कोई किसी किस्म का नुकसान हो सके, ठीक है। लेबॉर्ट्री फर्नीचर का ध्यान रखा जाए, लेबॉर्ट्री फर्नीचर में आपके बेंचेस जो बच्चों हैं, ठीक है, वर्क बेंचेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं या बच्चे जैसे सिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कुछ जगहों पे लैब्स में खड़े होकर ही काम किया जाता है, तो मेन जो बेंच है उनको ध्यान में रखा जाए। स्टूल्स, चॉकबोर्ड्स, कबर्ड्स, डिस्प्ले कबर्ड्स, शेल्फ्स, रीजन रैक्स, ब्यूरेट एंड पाइपेट रैक्स, यानी जितने भी आपका किस्म का मटेरियल जो ऑपरेटर्स वगैरह लैब में हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। फिज़िक्स लैब की बात की जाए, फिज़िक्स लैब में जिस तरह आपके ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे लेड एक्यूमुलेटर, अल्कलीन एक्यूमुलेटर, ठीक है, तो उन्हें आपने रस्टिंग से, डस्ट से बचाना है। एमीटर्स, गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह तो हो जाएगा तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने का खदशा है, जिसकी वजह से कोई लेटर उनको डैमेज कॉज हो सकता है। केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट, केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपका ताल्लुक केमिकल्स वगैरह से या ग्लासवेयर वगैरह से पड़ता है, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें आपके फ्यूम कबर्ड्स, ठीक है, कुछ केमिकल्स को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते फ्यूम हुड्स के अंदर, फ्यूम हुड जिसका के बैक साइड पर वेंटिलेशन का इंतज़ाम होगा ताकि वहीं से जो फ्यूम्स हैं केमिकल्स के वो बाहर मूव कर जाएँ। गैस जनरेटर्स, केमिकल बैलेंसेज, इलेक्ट्रिकल बैलेंसेज, different kinds of tripod stands, ठीक है, यानी three legs वाले जो stands होते हैं, retort stand जिसे हम titration वगैरह में मोस्टली इनको चीज़ों को hold करने के लिए use करते हैं, burettes and pipettes का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये biology laboratory में आप microscopes ठीक तरीके से वर्कआउट कर रही हों, ठीक है, लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम हो, मैग्नीफाइंग लेंसेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लाइड बॉक्सेस जिसमें आप डिफरेंट स्लाइड्स रखते हो, ठीक है, समथिंग दे मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ ए ग्लास, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। एक साइंस लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है, ठीक है, जहाँ पे आप डिफरेंट पैम्फलेट्स रख सकते हो, कैटलॉग्स रख सकते हो, या जो केमिकल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल हो सकती है, ग्लासवेयर को कैसे यूज़ करना है वो डिटेल रख सकते हो, और जो प्रैक्टिकल्स लैब में परफॉर्म हो रहे हैं उनके प्रोटोकॉल्स वगैरह सेव किए जा सकते हैं। सो दे शुड बी मैगजीन्स, बुक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल बुकलेट्स, या यूँ कह सकते हो पैम्फलेट्स या न्यूज़लेटर्स जो कि लेटेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में नहीं भी यूज़ कर रहे तब भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, ताकि छोटी अगर थोड़ी चीज़ों को लेबॉर्ट्री के मैनेजमेंट में भी इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, इन टूल्स को उसी तरह यूटिलाइज़ किया जाए जिस पर्पज़ के लिए इन्हें बनाया जाए। दीज टूल्स आर प्लेस्ड ऑन ए शैडो बोर्ड फॉर ईज़ ऑफ चेकिंग, ठीक है। इसमें डिफरेंट किस्म के सॉज आ जाते हैं, ठीक है, जिनके आके टीथ होते हैं, टीथ मतलब कि वो कटिंग के लिए चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, वुड या किसी चीज़ को शार्प करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हैक्सास, दे आर यूज़ फॉर कटिंग मेटल्स, अगर आपने मेटल रॉड्स वगैरह को कट करना है तो उसके लिए ये एक वाले हैक्सॉक्स वगैरह यूज़ कर लिए जाते हैं। कोपिंग सा, ठीक है, होल्स वगैरह को कट करना हो, ठीक है, या वुड के सर्कुलर पीसीस को, ठीक है, फाइल भी यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये एक सॉ आपको दिखा दिया गया और ये एक फाइल है जिसको सॉ की मदद से इसको शार्प करने का ये काम ले रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैट फाइल्स, ठीक है, ये भी फाइन टूथ होती हैं, ठीक है, वुड वर्क में भी आप इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हो, मेटल वर्क में भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और ट्रायंगुलर फाइल यानी ट्रायंगल शेप होती है, समटाइम्स आपने कुछ चीज़ों को अंदर से कट आउट करना पड़ता है या ग्लास को टर्न आउट करता है, उस केस में आप इसको यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है। जिसमें टूल्स वगैरह का चैप्टर होगा तो उसमें आपको इनकी डिटेल्स और पता लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, डैट वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर, डैट वॉज अबाउट लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है, यानी आप लेबॉर्ट्री को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।